अलग अलग लाइटें जल रही हैं। टेक्नो ने हमको भेजा है एक नया इंटरेस्टिंग मिस्ट्री बॉक्स। मिस्ट्री बॉक्स ये नहीं है, इसके अंदर है टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G एंड 15,000 रुपए के प्राइस पॉइंट के अंदर डेमोक्रेटाइज करने का प्लान है 5G स्मार्टफोन्स के थ्रू। खोलता हूँ बॉक्स, आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें हैं इसमें बॉक्स के अंदर जो आपको मिलती है एंड क्या है मेरे फर्स्ट इंप्रेशन। हैशटैग आर्क इंटरफेस बाय पोवा या बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है एंड ये रहा मेन टेक्नो पोवा 5 प्रो का रिटेल बॉक्स जो यूजर्स को मिलेगा। ये एक मीडिया किट थी जो हमें मिली थी। शाउट आउट टू देयर इवेंट टीम जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज करा, बहुत ही यूनिक एक तरीके से इनवाइट था। तो इसको खोलते हैं फटाफट से। 5000 एमएच की बैटरी है, 68 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, 50 मेगापिक्सल का एआई कैमरा है। फोन में आपको एनएफसी भी देखने को मिलता है। आई थिंक इस प्राइस पॉइंट पे सबसे पहली बार ही 68 वाट की फास्ट चार्जिंग आई होगी जो फोन को 0 से 50% सिर्फ 15 मिनट के अंदर चार्ज कर देती है। 68 वाट का फास्ट चार्जर 15,000 रुपए के स्मार्टफोन में, साथ में यूएसबी ए से सी की केबल, सिम इजेक्टर टूल और बॉक्स में साथ में टीपीयू केस भी मौजूद है, विच इज अ गुड थिंग बिकॉज इस प्राइस पॉइंट पे लोग अक्सर एक कवर खरीदते ही हैं। बॉक्स के अंदर ही अगर वो मिल जाए, नथिंग लाइक इट। सारी चीजों को करते हैं साइड, आते हैं मेन फोन के ऊपर। 128GB और 8GB रैम वाला ये वेरिएंट है। तो फोन को अब मैंने कर दिया है बूट एंड फोन को बूट करने के बाद सबसे पहले जो मैं आपको इसकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसके बैक की 8GB लाइट्स वो यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने एक कॉपीराइट फ्री म्यूजिक ऑफ कोर्स यहाँ चलाया। आप देख सकते हैं कि 8GB पैटर्न में यहाँ पे अलग अलग लाइट आ रही है। ये सिर्फ एक सिंगल कलर वाली लाइट नहीं है, अलग अलग इसमें मल्टीपल कलर्स, रेड ग्रीन ब्लू के सारे शेड्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ऑल्सो आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं कॉल्स के हिसाब से, म्यूजिक के हिसाब से, गेम प्ले के हिसाब से और भी बहुत सारी इसकी फंक्शनैलिटी है। आने वाले टाइम में ओटीए अपडेट्स के साथ और चीजों में भी आप इसका यूज कर पाएंगे। ये थी बात इसका मेन जो यूएसपी था। इसके अलावा बैक पे जो आपको इसका पैनल दिख रहा है, ऑफ कोर्स ये प्लास्टिक का ही है लेकिन ट्रांसलूसेंट होने की वजह से थोड़ी सी ग्लास बैक वाली फील भी इसके अंदर आपको आती है। एंड जो बैक है अगर आप फर्स्ट लुक में देखेंगे तो इंटरेस्टिंग लग रही है, डिफरेंट लग रही है। ट्रांसफॉर्मर्स के जो कैरेक्टर होते हैं कुछ ना कुछ उस तरीके की इसकी फील है, मैकेनिकल फील है। कलर बहुत अच्छा है जो ब्लू वाला है लेकिन थोड़े से फिंगरप्रिंट्स इसके अंदर काफी ज्यादा आ रहे हैं एंड जो डर्ट है वो भी इस पर अट्रैक्ट हो रही है। तो इसको जिसके साथ मिला हुआ टीपीयू केस है उसके साथ ही यूज करना बेटर रहेगा। फ्रंट पे तो 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले आपको देखने को मिल रही है जो इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत बढ़िया है। एक और बात, फोन के अंदर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर भी लगा हुआ मिलता है ऑलरेडी आउट ऑफ द बॉक्स, बट बेटर ये रहेगा कि आप इसमें टेम्पर्ड ग्लास लगा लें थर्ड पार्टी का व्हेन यू बाय द फोन। साथ में अगर आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं वो ये है कि 5G इनेबल्ड ये स्मार्टफोन है जैसा आपको अभी तक पता ही है एंड 15,000 के प्राइस पॉइंट पे पहले जब आप एक 5G फोन लेना चाहते थे आज से 6 महीने 7 महीने पहले या इनफैक्ट 2-3 महीने पहले भी तो आपको कहीं ना कहीं पे कॉम्प्रोमाइज जरूर करना पड़ता था, चाहे वो हो बैटरी में, चाहे वो हो परफॉर्मेंस में या डिस्प्ले में। लेकिन अब फोन्स इतने ज्यादा दिन बर दिन तेजी से कंपटीशन बढ़ता जा रहा है कि अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट पे आपको अच्छे 5G फोन्स मिल रहे हैं जो अल्टीमेटली कस्टमर के लिए फायदे वाली बात है। तो परफॉर्मेंस की भी अगर आप बात बताऊं तो इसमें आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6080 वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, अराउंड 400,000 का एंटीटू बेंचमार्क इसका स्कोर है। तो परफॉर्मेंस डिसेंट है, ठीक ठाक आपको देखने को मिल जाएगी। गेमिंग आप इसमें कर सकते हैं, एक्सट्रीम वाइल्ड गेमिंग नहीं कर पाएंगे लेकिन नॉर्मल लेवल की गेमिंग आप ये डेफिनेटली इसमें BGMI वगैरह सारी गेम्स चला पाएंगे। प्रोसेसर अच्छा है, हीटिंग इश्यूज भी ज्यादा देखने को नहीं मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बैटरी का मैकेनिज्म है, चार्जिंग का मैकेनिज्म है, वो उसमें एक बाईपास मैकेनिज्म भी लगा हुआ है। बाईपास करने का मतलब है कि फोन सीधा AC पावर से चलेगा जब आप इसे चार्जिंग पे लगाएंगे, जिसका मतलब है कि बैटरी हीट नहीं होगी चार्ज होते हुए। तो कैमराज की अगर मैं बात करूं तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा आपको इसमें पीछे की तरफ देखने को मिलता है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, पिक्चर की आउटपुट ठीक ठाक है, डिसेंट है। AI कैम का एक इसमें मोड है जिसको आप क्लिक करके डिसेंटिश पिक्चर्स दे सकते हैं अगर आप एक अच्छे वेल लिट कंडीशन में हो जैसे कि अभी मैं हूं। इसके अलावा फोन का जो डिजाइन है अच्छा है, इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है। सबसे मेन जो इसकी KSP रहने वाली है वो ये रहने वाली है कि इसके पीछे आपको ये RGB लाइट देखने को मिलती है। तो अगर आप एक गेमर हैं, चाहते हैं ऐसा स्मार्टफोन हो जो थोड़ा सा स्टैंड आउट करे एंड ये RGB लाइट का पैटर्न हमने कुछ एक्सपेंसिव फोन्स के अंदर देखा है 40 से 50,000 के प्राइस पॉइंट पे, तो ये उस डिजाइन लैंग्वेज को डेमोक्रेटाइज कर रहा है मास मार्केट में 15,000 के प्राइस पॉइंट पे, 5G इनेबल्ड है। सो ऑल एंड ऑल आई थिंक इस फोन की फर्स्ट इंप्रेशंस में मेरे को एक डिसेंट फोन लग रहा है बिकॉज 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग इस सेगमेंट में पहली बार आई है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, कैमरा ठीक है, परफॉर्मेंस ठीक है। फुल रिव्यू इसका बहुत जल्दी आपके लिए जागरण हाईटेक में लेके आएंगे। मैं हूं अनाग त्यागी, आप मुझे कमेंट्स के अंदर बताइए 15,000 रुपए का प्राइस पॉइंट हो या मान लीजिए आप अपना पहला 5G फोन लेना चाह रहे हो तो क्या आप इस फोन को कंसिडर करेंगे।